हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आज आपको टॉपिक में दिख गया रहेगा बेनिफिट ऑफ प्रोटीन, तो आज फिर से एक नया टॉपिक लेके मैं आपके सामने डॉक्टर निर्मल पांडे हाजिर हूँ एक नया टॉपिक के साथ जिसका नाम होगा बेनिफिट ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? प्रोटीन हम जो खाते हैं, जो हमारे दैनिक, जो हमारा डेली रूटीन का जो यूजेज है फूड्स, उसमें जो प्रोटीन का होना क्यों जरूरी है? प्रोटीन हमारे बॉडी में किस प्रकार से लाभकारी है? प्रोटीन हमारे बॉडी में कैसे यूजफुल है? ये सब के ऊपर आज हम इसी टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं कि प्रोटीन हमारे बॉडी में क्या फायदा करता है, प्रोटीन से हमारे क्या बेनिफिट है बॉडी को। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोटीन जो होता है और क्या होता है, प्रोटीन हमारे बॉडी को ठीक से मेंटेन, मतलब प्रोटीन हमारी बॉडी को ठीक से मेंटेन एवं वर्किंग कंडीशन में रखने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सबसे पहला जो इसका बेनिफिट है हमारे बॉडी में, प्रोटीन का सबसे पहला जो बेनिफिट है वह क्या है, प्रोटीन हमारे बॉडी को मेंटेन और वर्किंग कंडीशन मतलब अच्छा से काम करने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, दूसरा क्या है, प्रोटीन हमारे बॉडी के सेल्स को, हमारे हम सभी जानते हैं कि हमारी जो बॉडी है वह सेल्स एंड टिश्यू से बने हुए हैं, तो प्रोटीन जो होता है वह हमारे बॉडी के सेल्स को बनाने तथा सेल्स को मेंटेन करने में या मेंटेन रखने में भी बहुत लाभकारी है या बहुत काम करता है। तीसरा इसका जो लाभ है, बेनिफिट है, वह है प्रोटीन हमारे बॉडी में सोर्स ऑफ एनर्जी का भंडार है। हमारे बॉडी में जो एनर्जी, काम करने की जो शक्ति आती है, एनर्जी मिलती है, वह प्रोटीन उसमें बहुत अच्छा वो भी रोल प्ले करता है। फोर्थ जो हमारा ये है बेनिफिट है, प्रोटीन हमारी बॉडी में मसल्स बनाने में भी हेल्प करता है। प्रोटीन क्या करता है, हमारे बॉडी में मसल्स बनाने में, इसके लिए जब हम देखते हैं कोई व्यक्ति जिम वगैरह में जाता है, जिम वगैरह ज्यादा करता है, तो जिम से उसको वे प्रोटीन या टाइप्स ऑफ प्रोटीन दिया जाता है जिससे उसका मसल्स काफी बनता है। तो प्रोटीन का एक ये भी बेनिफिट है कि हमारी मसल्स बनाने में भी मदद करता है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज देखा गया है कि प्रोटीन हमारे बॉडी लॉस करने में भी बहुत मदद करता है। जो हमारी बॉडी का वेट लॉस है, जिस पेशेंट का ओवरवेट है उसमें भी प्रोटीन दिया जाता है, क्योंकि हमारे बॉडी का मसल्स बनाने में भी प्रोटीन यूज होता है और नेक्स्ट हम देखेंगे कि वेट लॉस में भी प्रोटीन हमारे बॉडी में काम करता है, वेट लॉस में भी प्रोटीन का यूज किया जाता है। फिफ्थ में जैसे देखेंगे हम कि वेट लॉस करने में भी प्रोटीन बहुत फायदेमंद होता है। कैसे? क्योंकि प्रोटीन से बहुत ज्यादा कैलोरी बर्न होता है, हमारी बॉडी की जो कैलोरी है वह प्रोटीन से बहुत ज्यादा बर्न होता है, जलता है, और हमारा बॉडी प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में भी काफी टाइम लगाता है। हमारा जो बॉडी है वह प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में भी काफी टाइम लगाता है, जिस कारण से हमें भूख बहुत कम लगती है या भूख देर से लगती है बोल सकते हैं, या भूख लगने की जो महसूस होता है, फीलिंग होता है, वह काफी टाइम बाद होता है, क्योंकि डाइजेस्ट प्रोटीन जो हम खाए हुए हैं उसको डाइजेस्ट करने में बॉडी काफी टाइम लगा देती है। तो जिस कारण से क्या होता है कि हमें भूख बहुत कम लगती है या भूख जो लगने का फीलिंग होता है वह बहुत कम होता है, जिस कारण से हमें क्या होता है, वेट लॉस में भी काफी प्रोटीन फायदेमंद होता है, बहुत यूजफुल होता है। तो हम देख रहे थे प्रोटीन क्या करता है, हमारे बॉडी की मसल्स बनाने में भी काम करता है और वेट लॉस में भी काम करता है। नेक्स्ट जो इसका बेनिफिट है वह क्या है, प्रोटीन हमारे बॉडी के बोन्स, लिगामेंट्स एंड टिश्यूज को भी हेल्दी रखने में मदद करता है। तो जो हमारी बॉडी की बोन्स हुई, हड्डी, लिगामेंट्स या टिश्यू जिसे ऊतक बोलते हैं, उस सबको भी मेंटेन हेल्दी रखने में मेंटेन करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है, प्रोटीन हमारे बॉडी के सिस्टम को भी मेंटेन रखने का काम करता है, हमारी बॉडी को एक सुचारू ढंग से, अच्छी ढंग से काम करने में भी मेंटेन करता है, अच्छा रखता है। नेक्स्ट देखेंगे कि प्रोटीन जो होता है, जो हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसे हम इम्यून सिस्टम बोलते हैं उसको भी बहुत अच्छा से रखता है और इम्यून बूस्ट करता है, जो हमारी बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाता है तथा बॉडी से क्या करता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको भी निकालने में मदद करता है। प्रोटीन हमारे इम्यून सिस्टम को जब बढ़ाएगा तो क्या होगा, हमारे इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, तो जिससे हम बीमार वगैरह कम पड़ेंगे। तो प्रोटीन का प्रॉपर मात्रा में लेने से आदमी बीमार भी कम पड़ सकता है। नेक्स्ट जो इसका काम है प्रोटीन का, तो प्रोटीन हमारे बॉडी में क्या करता है, स्किन, हमारा जो स्किन हुआ, हेयर हुआ, स्किन हेयर या नेल, नाखून,
को भी ठीक बहुत अच्छा से मेंटेन करने का, हेल्दी रखने का काम करता है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि केराटिन नामक एक प्रोटीन होता है, केराटिन नाम का एक प्रोटीन होता है जो क्या करता है, हमारे हेयर्स तथा नेल्स में पाया जाता है। केराटिन जो प्रोटीन होता है वह कहाँ पाया जाता है, तो हमारे बाल और नाखून में पाया जाता है। और इसकी वजह से ही जो हमारे हेयर्स होते हैं, बाल होते हैं, वह क्या होते हैं, लचीला, मुलायम, स्मूथनेस, साइनी, यह सब कौन से प्रोटीन होता है, तो केराटिन नाम का जो प्रोटीन होता है उससे हमारी जो बॉडी की बाल है, हमारे सर की जो बाल है, वह सब क्या होता है, स्मूथ होता है। तो इस ढंग से हम देखेंगे कि हमारी जो बॉडी की प्रोटीन है वह स्किन, हेयर और नेल्स को भी काफी अच्छा रखने में या मेंटेन रखने में, हेल्दी रखने में काम करता है। केराटिन आप बहुत सारे सैलून वगैरह में दिख जाता रहेगा, केराटिन बालों में केराटिन किया जाता है। तो केराटिन एक्चुअली एक प्रोटीन होता है जिसकी वजह से क्या होता है, केराटिन हमारी बॉडी की प्रोटीन जो स्किन, हेयर, नेल्स में पाया जाता है, तो केराटिन वो सैलून वाले जब बाल में करते हैं तो बाल का झरना रुक जाता है या फिर बाल में शाइनिंग आ जाती है, स्मूथनेस आ जाती है, एक रफ जो हुआ रहता है बाल वह ठीक हो जाता है। तो केराटिन नाम का एक अधिकांश क्वेश्चन में पाया जाता है, मतलब कुछ दिया जाता है कि बालों में कौन सा प्रोटीन होता है, तो बालों में जो प्रोटीन होता है उसे हम केराटिन बोलते हैं। ठीक है, तो इस ढंग से हम देखेंगे कि बॉडी का क्या क्या प्रोटीन के थ्रू बेनिफिट मिल रहा है। नेक्स्ट जो बेनिफिट है वह क्या होता है, बच्चे जो चिल्ड्रन होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनकी बॉडी की ग्रोथ में भी प्रोटीन बहुत फायदेमंद होता है। बच्चे को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, चाइल्ड को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में प्रोटीन बहुत फायदेमंद होता है। इसका एक और लाभ है, प्रोटीन किसी भी टाइप के घाव या चोट लगा हुआ है तो उसको तुरंत ठीक करने में भी मदद करता है, हेल्प करता है। नेक्स्ट होता है प्रोटीन का यूज दिमाग को तेज बनाने में भी किया जाता है। प्रोटीन हमारे माइंड को इंटेलिजेंट भी बनाता है, मतलब हमारी जो ब्रेन है, माइंड है, उसको तेज बनाता है, हमारा दिमाग भी तेज बनाता है प्रोटीन। प्रोटीन का एक और लाभ है, बेनिफिट है, ब्लड शुगर या हाई ब्लड प्रेशर किसी को है तो, या हार्ट डिजीज, ब्लड शुगर, हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट डिजीज, मतलब हृदय संबंधी अगर कोई बीमारी है तो उसमें भी हाई प्रोटीन डाइट डॉक्टर एडवाइज भी करते हैं, क्योंकि यह बहुत अच्छा काम करता है इस सब चीजों में, ब्लड शुगर को मेंटेन रखने में, हाई बीपी को मेंटेन रखने में, और हार्ट डिजीज जो हमारा हृदय संबंधी रोग है उसको भी मेंटेन करने में, अच्छा रखने में, डायग्नोसिस में, इस समय डिजीज को कंट्रोल करने में हाई प्रोटीन डाइट बहुत अच्छा काम करता है। नेक्स्ट जो इसका काम है, नेक्स्ट जो इसका बेनिफिट है हमारे बॉडी में, वो होता है मेंटल हेल्थ, मतलब मानसिक दुर्बलता या मानसिक, जिसको दिमाग में प्रॉब्लम है, मानसिक प्रॉब्लम है, तो उसको मेंटल हेल्थ में क्या करता है, प्रोटीन मेंटल हेल्थ में भी सुधारने का काम करता है, ठीक नहीं करता है। जो आदमी अगर पागल हो गया है या किसी माइंड में किसी टाइप का प्रॉब्लम चल रहा है, मेंटल हेल्थ है, तो उसको ठीक नहीं करेगा, बट सुधारने में मदद करता है, मानसिक तनाव को या स्ट्रेस हुआ या क्या बोलते हैं टेंशन हुआ, उससे लड़ने के लिए हमारे बॉडी को जो अमाइनो एसिड चाहिए वो अमाइनो एसिड प्रोटीन के द्वारा पाया जाता है। तो इस ढंग से हम देखते हैं कि जो हमारा मेंटल हेल्थ है, हमारे मानसिक जो बीमारी है, उसमें भी प्रोटीन बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट होता है, यह तो आजकल काफी इम्पोर्टेंट है, लड़कियां लोग तो ज्यादा यूज करती है, एंटी एजिंग। एंटी एजिंग मतलब कि बढ़ती उम्र में कम दिखना, मतलब एज की आजकल देखते हैं कि 20 साल एज रहता है लेकिन दिखने में कोई 40 साल 35 साल, ऐसा ओवरवेट की वजह से या और सारे प्रॉब्लम की वजह से ओवर एज दिखते हैं। एज एक्चुअल उनका 25 रहता है, 26 रहता है, 30 रहता है, बट वो ओवर एज दिखते हैं। तो प्रोटीन का अगर बॉडी में मेंटेन है, प्रोटीन अच्छा से हमारे बॉडी में है, तो एंटी एजिंग का भी काम करता है, मतलब आपकी एज के हिसाब से आपकी बॉडी को जो एक फेस लुक है वह दिखाता है। तो इस ढंग से हम देखेंगे कि हमारी बॉडी का या हमारे बॉडी में प्रोटीन से बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे बेनिफिट है, बहुत सारे लाभ है। तो इसके लिए प्रोटीन हमारे बॉडी में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने देख लिया प्रोटीन हमारी बॉडी को क्या करता है, ठीक से मेंटेन और वर्किंग कंडीशन रखता है। दूसरा, हमारे प्रोटीन बॉडी के सेल्स को मेंटेन करता है और रिपेयर करता है। नेक्स्ट, हमारे बॉडी के मसल्स को क्या करता है, मेंटेन करता है, मसल्स बढ़ाता है। फोर्थ में देखेंगे कि हमारे बॉडी की सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोटीन से मिलता है।
वेट लॉस में भी प्रोटीन हमारा काम आता है, जो भूख डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम, डाइजेस्ट होने में टाइम लगाता है जिसकी वजह से भूख कम लगती है और फिर हम कम खाना खाते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा वेट लॉस होगा। नेक्स्ट जो हमारा 6 नंबर इसका हम देखेंगे तो प्रोटीन हमारे बॉडी के बोन्स लिगामेंट्स इस सबको मेंटेन रखने में काम करता है। 7 में देखेंगे प्रोटीन हमारी बॉडी के सिस्टम को अच्छी ढंग से मेंटेन रखते हैं, मतलब हमारे बॉडी के कोई भी सिस्टम ऑर्गन हो उसको अच्छा से मेंटेन रखता है, सुचारू ढंग से काम करवाता है। प्रोटीन इम्यून सिस्टम बूस्ट करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है जिससे हम बीमार कम पड़ते हैं। प्रोटीन हमारे बॉडी के स्किन हेयर नेल्स को भी मेंटेन रखता है। ओके, बच्चे को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन का होना बहुत जरूरी है। प्रोटीन किसी भी टाइप के घाव या चोट को जल्दी ठीक करने में मदद करता है। प्रोटीन का यूज माइंड को भी किसमें इंटेलिजेंट, मतलब दिमाग को भी तेज बनाने में मदद करता है। प्रोटीन ब्लड शुगर, हाई बीपी और हार्ट डिजीज जो होता है उसको मेंटेन, उसकी बीमारी में हेल्प करने में मदद करता है हाई प्रोटीन डाइट। 14 नंबर मतलब मेंटल हेल्थ, प्रोटीन हमारे मेंटल हेल्थ को सुधारने में मदद करता है। और 15 नंबर इसका जो बेनिफिट है वो एंटी एजिंग है, मतलब बढ़ती उम्र को कम करने में भी हमारा, या फिर हमारे जो बॉडी की जो हमारी एज चल रही है उस हिसाब से ही फेस लुक होना इस एंटी एजिंग में भी काम करता है। तो इस ढंग से हम देखें कि प्रोटीन हमारे बॉडी में किस ढंग से लाभकारी है। तो टोटल हमारे बॉडी में अगर देखा जाए तो 15 प्रकार से 15 टाइप्स में प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए उपयोगी है, लाभकारी है, जो बेनिफिट हमारे प्रोटीन बेनिफिट से हमारे बॉडी को प्रोटीन के द्वारा मिलता है। कौन कौन से बेनिफिट आपको मैंने बता दिया, टोटल 15 टाइप्स के बेनिफिट है जो प्रोटीन के द्वारा हमारा बॉडी में प्रोवाइड किया जाता है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं आपके साथ एक नया टॉपिक के साथ जो रहेगा सोर्स ऑफ प्रोटीन, मतलब हम क्या खाएं क्या नहीं खाएं जो हमारा प्रोटीन बॉडी में मेंटेन रहेगा। और दूसरा देखेंगे अगर बॉडी में कोई चीज बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है तो उसका कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट भी होता है, तो हम प्रोटीन का साइड इफेक्ट क्या है, प्रोटीन का दुष्प्रभाव हमारे बॉडी में क्या है, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।